नमस्कार साथियों, आगे हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया में दो बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ, रेजिडेंशियल जो जगह काफ़ी लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार किया जा रहा है, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और आगे हम बात करेंगे कि आप बिना बताए अपनी कंपनी को, अपने नियोक्ता को अपना जॉब बदल सकते हैं या फिर नियोक्ता यानी दूसरी कंपनी भी बदल सकते हैं। ये इसके क्या 5-6 नियम हैं, ऐसे 6 नियम अगर आपके ऊपर लागू होते हैं तो आप ये सऊदी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसको छोड़ के दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो सऊदी सरकार ने, जी हाँ, रेजिडेंशियल उल्लंघन के मामले में लगभग 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो अभी की लेटेस्ट में बात कर रहे हैं जुलाई में। जी हाँ, हर रोज नए लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनके पास वर्क परमिट वीजा नहीं है, वैलिड नहीं है, या फिर वो एक्सपायर हो गया, उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया, उनके पास कुछ है ही नहीं, जो कंपनी छोड़ चुके हैं। ऐसे लोगों को, 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हाँ, आगे अगर बात करें साथियों तो सऊदी अरेबिया में ट्रांसफर, जी हाँ, आप जॉब ट्रांसफर कर सकते हैं, कंपनी ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ शर्तों को आपको पालन करना होगा। सऊदी मिनिस्ट्री ने बताया कि नियोक्ता को बिना बताए भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ जरूरी शर्तों का आपको पालन करना होगा। जी हाँ, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, अगर आपको अपनी की कंपनी, आपका नियोक्ता पिछले 3 महीने से लगातार बिना किसी कारण से पेमेंट देने में, सैलरी देने में आनाकानी कर रहा है या फिर लेट कर रहा है, सबसे बड़ा रीजन ये होता है। भैया, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप करते हैं, मेरे से बात होती है, ये पता लगता है कंपनी ने 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी, 4 महीने से नहीं दी, 3 महीने से नहीं दी। देखिए, रीजन इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मेरी मर्जी, एक होता है मैं देना चाहता हूं लेकिन मेरे पास है नहीं, मेरी मजबूरी है। तो ये मजबूरी वाला रीजन तो 3 महीने चल जाता है, लेकिन मेरी मर्जी दूं तब दूं, ये अगर आपके साथ होता है तो आप कंपनी की शिकायत कर सकते हैं, या कंपनी को, आपके पास अगर पासपोर्ट है तो बिना बताए आप अपना पासपोर्ट दूसरी जगह जॉब कर सकते हैं। ये अथॉरिटी सरकार ने दे दी है, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। जी हाँ, आगे अगर बात करें 2 नंबर पे, अगर कामगार, अगर आप यहाँ से जाते हैं, आपका कंपनी, आपका मालिक जो भी है, आपको कोर्ट पे रिसीव करने नहीं आता है या देरी कर देता है, रिसीव करने के लिए आता नहीं है, तो भी आपके पास प्रोसेस बनता है, क्योंकि ये लापरवाही का मामला है, आप अपना जॉब कर सकते हैं। बाकी इसकी अधिक जानकारी के लिए आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप इनकी इंक्वायरी ले सकते हैं। जी हाँ, 3रे नंबर पे भाई देखिए, आपके पास अग्रीमेंट है कि आपको ये काम करना है, वो काम को अलावा आपका मालिक, आपकी कंपनी आपसे ऐसा कोई काम करवाए जो आपकी जान को जोखिम रहे या फिर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, जी हाँ, तो उस काम को आप मना कर सकते हैं, और उस काम के विवाद पे ये एक रीजन है ठोस, इसकी वजह से आप इसको छोड़ते हुए दूसरी कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। जी हाँ, आगे अगर बात करें 5 नंबर पे, तो आपको मान लो जो काम दिया गया है, आपकी कंपनी, आपका मालिक उस काम को तो छुड़वा देता है और दूसरा काम करने लग जाते हो, आपसे दूसरा काम करवाया जाता है, वो काम आप नहीं करना चाहते, तो ये भी एक रीजन बन जाता है, आप उसको छोड़ सकते हैं। जी हाँ, 6रे नंबर पे बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ भी आप कुछ अपनी आवाज उठाते हैं, कुछ बोलते हैं, तो कंपनी के मालिक या मैनेजर, आपके जो सीनियर होते हैं, वो आपको धमकी देते हैं कि हम आपके ऊपर मुकदमा करवा देंगे, आपको झूठी, आपको जेल करवा देंगे, मुकदमा, ये वो, आपको डराने की कोशिश की जाती है। अगर ये आपके पास वैलिड रीजन है, एविडेंस है, तो आप कंपनी छोड़ सकते हैं। जी आगे अगर बात करें तो आप जिसके पास काम कर रहे हैं वो या फिर उसका परिवार कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार करे, आपके साथ मारपीट करे या फिर आपको गाली गलौज दे, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, दूसरी जगह जॉब कर सकते हैं। ये कुछ 6-7 रीजन थे, इस वजह से आप काम छोड़ सकते हैं, दूसरी जगह कर सकते हैं। बाकी इसकी अधिक जानकारी तो भाई आप सऊदी में रह रहे हैं वहाँ पे आपको पता लगानी चाहिए, ताकि आपको जॉब मिले, ट्रांसफ़र करने में आसानी हो सके। तो ये कुछ अपडेट थी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।